Yes, students, yesterday I have discussed with you Russian Revolution and we have covered up to October Revolution. Clear? And even I have discussed with you policies of Lenin. Once again, I'm going to revise till the other students are joining. What changed after October? Lenin policies. We have completed causes of Russian Revolution. Then I have discussed with you Bloody Sunday incident of 1905. After that, First World War position, impact of First World War on Russia. Okay? Uske baad, then we have discussed about the 1917 year. That year is divided into two parts. First is February Revolution and second is October Revolution. So you can learn the difference between two also. How February was different from October? Okay? तो आपको पता ही है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन वाज लेड बाय करेंस्की एंड अक्टूबर वाज लेड बाय लेनिन. द नेम ऑफ द पार्टी हियर इज मेंशेविक, हियर द पार्टी इज बोल्शेविक. क्लियर? एंड दिस रेवोल्यूशन हियर रिच पीपल सपोर्टेड, लैंड ओनर्स they supported. Here Lenin, he mainly supported by the workers and farmers, soldiers, police, each and everything. Okay, here we can say that main hold on the party was of rich landowners and industrialists. No doubt these groups also joined. इन्होंने यहाँ पे भी join किया, पर यहाँ पे हमने ये बताना है कि करंस्की की जो पार्टी थी, मेंशेविक पार्टी थी, mainly supported to rich people. And here they supported landless people. Clear? हाँ जी गुरलीन, सिमरन. So this was the main basic difference between February Revolution and October Revolution. After October Revolution, Lenin brought so many changes in the country. First of all, हमने ये बताना है that he promised to implement April Thesis. ठीक है, April Thesis की सारी demands आपने बतानी है इसमें. April Thesis, which were the four demands of April Thesis, वो बताना है इसमें आपने. Number one, बैंक्स वर नेशनलाइज. पहले हमने बताना शुड भी, इसमें हमने क्या बताना है कि लेनिन के रूलर बनने के बाद उसने क्या किया, बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया. सेकंड आपने क्या बताना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. लैंड वाज टेकन फ्रॉम द रिच पीपल, इट वाज डिक्लेयर्ड एज सोशल प्रॉपर्टी एंड इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर पीपल. सो ऑल द फार्मर्स दे बिकेम वेरी हैप्पी, लैंडलेस पीपल दे बिकेम वेरी हैप्पी विद द लेनिन इन द इनिशियल ईयर्स. उसने सारी की सारी ऑनरशिप जो है लैंड की ऑनरशिप अपने कंट्रोल में ले ली. क्लियर? After that, then again, फिर we have to tell about the some of the you can say rights were given to non-Muslims, non-Russians, non-Christians. All the religions were given equality on the basis of their you can say nationality. ठीक है? But earlier during the Tsar Nicholas time, equality was not given to the people. So these people became also very happy, huh? Because they were given equal rights. ठीक है, देन और हमने इसमें क्या बताना है, दैट वॉर टू बी क्लोज. उसका प्रॉमिस था कि वॉर को बंद किया जाए, तो लेनिन ने अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए ही साइंड पीस ट्रीटी. पीस ट्रीटी का मतलब क्या होता है, वॉर को बंद करवाने के लिए काइंड ऑफ एग्रीमेंट. ही साइंड पीस ट्रीटी एंड विद दिस ही वॉज एबल टू मैनेज टू कंट्रोल द वॉर, टू एंड द वॉर.
यानी कि रशिया में जो वॉर का टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया एंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीपल दे बिकेम सोल्जर्स दे बिकेम आल्सो हैप्पी विद द एफर्ट्स ऑफ लेनिन एंड लेनिन वाज गिवन क्रेडिट टू ब्रिंग सोशलिज्म इन द कंट्री. लेनिन को मेन क्रेडिट दिया जाता है. इवन वर्ल्ड में सबसे पहली कंट्री ही रशिया है जो सोशलिज्म लेकर है. तो लेनिन के आइडियाज या लेनिन के एफर्ट्स को पूरी कंट्री याद करती है क्योंकि उन्होंने सोशलिस्ट आइडियाज लेकर आए. बट इन द इनिशियल ईयर्स ही वॉज सक्सेसफुल, ही वॉज सक्सीडेड. बट लेटर ऑन हम ये कहते हैं ना कि पावर जब भी कॉमन पर्सन के हाथ में आती है तो इसको मिसयूज करता है. तो सेम लेनिन ही डिड विद दिस. उसने क्या किया, ऑल द प्रॉपर्टी वॉज डिक्लेयर्ड एज अ सोशल. सो ऑल द रिच पीपल टर्न्ड अगेंस्ट, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, रिच पीपल थे, ठीक है, वो इसके अगेंस्ट हो गए बिकॉज हिज डिसीजन वॉज टू डिक्लेयर लैंड एज अ सोशल प्रॉपर्टी. दे वर नॉट हैप्पी विद द पॉलिसीज ऑफ लेनिन. ठीक है, देन उसने क्या किया, वन पार्टी नेशन. उसने अपनी पार्टी का नाम रीचेंज किया. अर्लियर द नेम ऑफ हिज पार्टी वॉज बोल्शेविक. नाउ ही रीचेंज द नेम ऑफ हिज पार्टी फ्रॉम कॉम्युनिस्ट. कॉम्युनिस्ट कर दिया उसने अपनी पार्टी का नाम बोल्शेविक से, और पार्टी का नेम क्या रखा, रशियन कॉम्युनिस्ट पार्टी. ठीक है, ये हमने मेन बताना. आफ्टर दैट ट्रेड यूनियंस, हमने बताना है कि कंट्री में स्ट्राइक ना हो, इसलिए उसने सारी की सारी ट्रेड यूनियंस उनके लीडर्स को अपने कंट्रोल में किया. ऑल द लीडर्स ऑफ ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर हिज पार्टी कंट्रोल. एंड कंट्री की पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट, कंट्री की नई पार्लियामेंट जो है वो बनाई उसने. अर्लियर द नेम ऑफ द पार्लियामेंट वॉज ड्यूमा. आपको याद है ना, पहले पार्लियामेंट का नाम क्या था, ड्यूमा. अब उसने पार्लियामेंट का नाम जो है वो क्या क्या रखा, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत. न्यू पार्लियामेंट वॉज ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत. ठीक है, ये उसकी पार्टी का जो पार्लियामेंट का न्यू नेम था, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत. क्लियर, दिस वॉज द नेम ऑफ हिज पार्लियामेंट. ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वॉज अ न्यू नेम ऑफ हिज पार्लियामेंट. अर्लियर द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग जार निकोलस वॉज ड्यूमा. क्लियर, और उसने क्या किया, सीक्रेट पुलिस वर अपॉइंटेड. कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को अपने अंडर रखने के लिए उसने क्या किया, सीक्रेट पुलिस का मतलब होता है नॉट इन यूनिफॉर्म, सो दैट कंट्री में जो भी हो रहा है उसका सारा जो है वो करेंसकी को, सॉरी लेनिन को उसकी नॉलेज हो. सो ऑल द सीक्रेट पुलिस वर अपॉइंटेड सेम एज हिटलर. आपने हिटलर के टाइम में भी पढ़ा हुआ, ठीक है. एंड सेंसरशिप लगाई उसने. सेंसरशिप का मतलब होता है टीवी, मीडिया, न्यूज़पेपर, बुक्स, आर्टिकल्स, ऑल वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेनिन. सो दीज डिसीजंस वर टेकन बाय लेनिन. ये आप किसी भी तरह से बच्चे इसका आंसर लिख सकते हो, चाहे आप इसका लिख सकते हो लेनिन की पॉलिसीज, चाहे आप लिख सकते हो अप्रैल थीसिस के पॉइंट्स, चाहे आप लिख सकते हो व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, कि अक्टूबर के बाद रशिया में क्या क्या चेंजेस आए जब लेनिन रूलर बने. ठीक है, ये हमने कल कंप्लीट किया था. और लेनिन ज्यादा देर तक कंट्री को नहीं संभाल पाया एंड ही डाइड इन द ईयर 1924. तो कितना टाइम उसने रूल किया, 1918, 1919, 1920, 21, 22, 23 टू 24. लेकिन इन्हीं पर्टिकुलर ईयर्स में लेनिन ने अपनी कंट्री का सोशलिज्म को पीक में पहुंचाया. एंड इसके बाद लेनिन की पार्टी को किसने संभाला, स्टालिन. अब हमने पढ़ना है स्टालिन. और आपको पता है इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, मतलब एक और ईयर याद रखो, 1922, रशिया को उसने कंप्लीट सोशलिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया और रशिया का नाम चेंज कर दिया. व्हाट वाज द नेम, यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया. आपको इसका नेम पता होना चाहिए, फुल फॉर्म यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया. वर्ल्ड मैप में कहीं कहीं आप यूएसएसआर जब भी पढ़ते हो उसका मतलब है रशिया. तो 1922 में रशिया का नाम उसने पूरी कंट्री को सोशलिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया. 1924 में उसकी डेथ हो गई, ठीक है. और लेनिन की डेथ के बाद नेक्स्ट उनकी कंट्री की कमांड या कंट्री को किसने संभाला, स्टालिन. तो ये दोनों नेम आपने याद रखने हैं. तो अब तक आपने जितने भी नेम याद रखे हैं उनको एक बार फिर से याद करो. 1905 के टाइम पीरियड में कौन था, जार निकोलस. जार निकोलस को रिप्लेस किसने किया, करेंसकी.
करेंसकी को रिप्लेस किसने किया? लेनिन. और लेनिन को रिप्लेस किसने किया? स्टालिन. ठीक है, तो आपने इन रूलर्स का टाइम पीरियड और इनकी पॉलिसीज अच्छी तरह से लर्न करनी. अभी तक हमने डिस्कस किया था अबाउट द लेनिन पॉलिसीज. ठीक है, अभी हम करेंगे डिस्कस स्टालिन पॉलिसीज भी कह सकते हो. या स्टालिन का नाम सबसे ज्यादा फेमस हुआ कलेक्टिवाइजेशन. कलेक्टिवाइजेशन क्या होती है? कलेक्टिवाइजेशन, स्टालिन का नाम सबसे ज्यादा फेमस हुआ कलेक्टिवाइजेशन. स्टालिन की पॉलिसीज मीन्स, जब एक तरफ जब आप याद करते हो करेंसकी की पॉलिसीज, एक तरफ याद करते हो लेनिन की पॉलिसीज, तो एक तरफ जब आपने स्टालिन की पॉलिसीज याद करनी है तो स्टालिन की पॉलिसीज में सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या पता होना चाहिए? कलेक्टिवाइजेशन. क्या होती है कलेक्टिवाइजेशन? कलेक्टिवाइजेशन का मतलब क्या है कि जिसमें लैंड को कलेक्टिव बेसिस के ऊपर उसकी कल्टीवेशन की जाए. कलेक्टिव बेसिस पे कल्टीवेशन करने का मतलब क्या होता है? पूरी की पूरी लैंड की जो एग्रीकल्चर है वो गवर्नमेंट कंट्रोल में होगी. गवर्नमेंट विल डिसाइड अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड अबाउट द प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स. कलेक्टिवाइजेशन का मतलब होता है नाउ द फार्मिंग, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मिंग विल बी ऑन द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ऑनरशिप. आज के टाइम पर फार्मर्स रिवोल्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आ रही है. तो एट दैट टाइम स्टालिन, यानी कि स्टालिन से पहले लेनिन ने जो एफर्ट किया था, स्टालिन ने उसी एफर्ट को आगे, यानी कि सोशलिज्म को आगे मेंटेन रखा. जो पॉलिसीज लेनिन की थी उन्हीं पॉलिसीज को आगे कंटिन्यू किया. और स्टालिन का नाम जो है वो किसमें मेन जाना जाता है? कलेक्टिवाइजेशन, लैंड कलेक्टिवाइजेशन. लैंड कलेक्टिवाइजेशन का मतलब होता है लैंड को कलेक्टिव बेसिस के ऊपर कल्टिवेट किया, ताकि पूरी की पूरी लैंड जो है उसके ऊपर मैकेनाइज फार्मिंग की जाए. मैकेनाइज फार्मिंग होगी तो जो रेट क्रॉप्स, जो क्रॉप्स ग्रो होंगी उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, प्राइजेस अच्छे मिलेंगे. जितने प्राइजेस अच्छे मिलेंगे उतना ही गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा. गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? ये बेनिफिट फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी एंड फार्मर्स को भी प्रॉपर क्या मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट. सो दैट्स वाई दिस पॉलिसी वॉज यू कैन से फॉर द फेवर ऑफ द फार्मर्स. तो अब हमने पढ़ना है स्टालिन की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज या पॉलिसीज. सबसे पहले उसने क्या किया? टू स्टॉप स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन क्या होती है? स्पेकुलेट करना, किसी चीज को स्पेकुलेट करना मतलब स्टोर करना. स्टालिन ने देखा कि रशिया में लोग, यानी कि रिच लैंड ऑनर्स क्या करते हैं, कुछ क्रॉप्स को स्टोर कर लेते हैं और मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज जो है वो क्रिएट करते हैं. जब मार्केट में बच्चे आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट होगी तो ऐसे में क्या होता है? चीजों के रेट बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो ऐसे में गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या बनती है? क्या करें? जो भी लोग स्टोर करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, उनको स्टॉप करना मतलब चेक करना. और स्टालिन के अंडर उसने बहुत से प्रोग्राम्स का मतलब क्या होता है? रिच लैंड ऑनर्स, जितने भी रिच लैंड ऑनर्स थे या जितने भी रिच पीपल थे फार्मर्स में, ठीक है, फार्मर्स थे जो भी थे, उनके एरियाज में जाकर वहां पे ही स्टार्टेड रेड. रेड का मतलब क्या होता है? चेकिंग. इनकम टैक्स रेड सुना ना आपने? इनकम टैक्स रेड क्या होती है? इनकम टैक्स रेड का मतलब होता है जिसमें लोगों की इनकम के बारे में प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, प्रॉपर सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको चेक किया जाता है. ऐसे ही स्टालिन ने क्या किया? उसने जितने भी लोग स्पेकुलेटर थे जो स्टोर करते थे, उनके स्टोर हाउस को जाकर रेड किया, चेक किया, और वहां से जितना भी अनलिमिटेड स्टॉक मिला, फूड स्टॉक मिला, बीट मिला, राइस मिला, उसको क्या किया उसने? गवर्नमेंट ऑनरशिप. गवर्नमेंट ऑनरशिप का मतलब वो सारा गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया. तो अल्टीमेटली आप ये सोचो कि रशिया में कितना ही ग्रेन जो था, कितना ही वीट जो था, वो गवर्नमेंट के पास कलेक्ट हो. ठीक है, तो इसका फायदा भी हुआ कहीं ना कहीं. और अल्टीमेटली जो स्टोरिंग, जो लोग अननेसेसरी स्टोरिंग करते थे उसको रोका. ठीक है, सेकेंड उसका मेन जो एफर्ट माना जाता है कोल खोज. कोल खोज, ही एस्टैब्लिश कोल खोज. क्या होते हैं कोल खोज? कोल खोज का मतलब, सिंपल मतलब क्या होता है? ऐसे खेत या ऐसे फार्म्स जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. तो इसका इजी मीनिंग क्या होगा? स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स. स्टेट या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड लार्ज
फार्म्स, ऐसे खेत जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी उनको क्या कहा गया, कोल खोज। स्टालिन ने क्या किया, अनलिमिटेड लैंड, रिच पीपल से जितने भी अनलिमिटेड लैंड थी उस सभी लैंड को कंबाइन कर दिया और एक बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस बना दिए और सारा का सारा एरिया जो था वो गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया और इसको क्या कहा गया, कोलखोज। कोलखोज का मतलब क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म्स। ठीक है, अब कोलखोज में खेती करने के लिए लोगों को फोर्स भी किया गया। स्टालिन ने क्या किया, नेक्स्ट आप क्या बता दोगे, दैट ही फोर्स फार्मर्स, फार्मर्स को इस चीज के लिए फोर्स किया गया कि वो अपनी मर्जी से कोई भी क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे। व्हाटएवर द क्रॉप्स विल बी ग्रोन इन द कंट्री, दीस विल बी डिसाइडेड बाय द स्टालिन एंड हिज गवर्नमेंट, एंड द फार्मर्स वर फोर्स टू डू एग्रीकल्चर इन द कोलखोज। यानी कि कोई भी फार्मर प्राइवेट फार्मिंग नहीं करेगा, जो भी फार्मिंग है वो कोलखोज पे होगी, एंड क्या ग्रो किया जाएगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पॉपुलेशन। वीट ग्रो करना है, पल्सेस ग्रो करनी है, राइस करना है, शुगर केन करना है, या वट एवर, क्योंकि रशिया मेन वीट प्रोड्यूसिंग एरिया था, मेजर यहाँ पे जो क्रॉप थी वो क्या थी, वीट। आपने पहले ही पढ़ा कि 85% से ज्यादा लोग जो थे वो वीट प्रोड्यूस करते थे, तो अपने आप यहाँ पे वीट की डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कोलखोज एस्टेब्लिश किए, फार्मर्स को जो पीजेंट्स हैं उनको फोर्स किया गया कि वो कोलखोज पे आकर कलेक्टिव फार्म्स में करें, एंड प्रॉफिट जितना भी गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट वॉज शेयर्ड, प्रॉफिट शेयर्ड, यानी कि जितना भी प्रॉफिट था गवर्नमेंट ने प्रॉफिट को शेयर किया फार्मर्स को इनकम के फॉर्म में, फार्मर्स को प्रॉपर इनकम दी गई, वेजेस दिए गए। ठीक है, अल्टीमेटली कुछ के लिए तो बिल्कुल ठीक था, जिनके पास लैंड नहीं थी दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज नाउ दे गॉट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम उन लोगों को थी जो खुद खेती नहीं करते थे, उन्होंने तो लैंड को आगे खेती पर दिया हुआ था, लेकिन अब फार्मर को खुद कल्टिवेशन करनी पड़ेगी, वो अपनी प्राइवेट फार्मिंग नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मैनी फार्मर्स दे बिकेम अनहैप्पी, और जो कुछ नहीं थे उन्होंने क्या किया अपने, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमारे जितने भी ट्रैक्टर्स हैं या मशीन्स हैं अगर गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए गए नंबर से ज्यादा होंगी तो वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाएगी। आप इमेजिन करो कि सपोज एक फैमिली होगी, उस फैमिली के पास 20 ट्रैक्टर्स होंगे लेकिन उनको सिर्फ 2 ट्रैक्टर चाहिए, तो बाकी जितने भी बचेंगे वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी क्योंकि उन्होंने अनलिमिटेड रखे हुए, या लैंड को अनलिमिटेड रखा गया। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं बहुत से फार्मर जो थे दे वर नॉट सेटिस्फाइड, दे वर नॉट हैप्पी। सो इसमें क्या हुआ, फार्मर्स जो थे उन्होंने क्या किया, दे नोइंगली डिस्ट्रॉयड, दे डिस्ट्रॉयड देयर मशीन्स, उन्होंने अपनी मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, जैसे आपको याद है नोटबंदी के टाइम पर में बहुत से लोगों ने अपनी मनी को ही जो है जला दिया था, क्योंकि अगर वो मनी शो करेंगे तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी, तो बहुत से लोगों ने क्या किया, अपनी मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर दी। इवन एनिमल्स, लाइफ स्टॉक की बात करें तो सपोज एक फार्मर है, उसके फार्मर के पास 100 बफेलोज है तो उसको इतनी नहीं चाहिए, ठीक है, उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग उसको सिर्फ 4 या 5 चाहिए, तो जितने भी एक्स्ट्रा यानी कि जो एक्स्ट्रा एनिमल्स है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाएंगे। एंड मैनी फार्मर्स दे किल्ड देयर एनिमल्स, लोगों ने अपने एनिमल्स को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग जो थे वो शेयर करना नहीं चाहते थे, शेयर करने का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते थे, उनका ये मानना था कि उन्होंने अपनी मेहनत से इनको खरीदा है तो गवर्नमेंट को नहीं देंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब गवर्नमेंट का रूल होता है तो सबको मानना पड़ता है, जो नहीं मानते तो उनको पनिश किया गया। सो मैनी फार्मर्स देवर पनिश, मैनी फार्मर्स देवर गिवन पनिशमेंट, जिन्होंने डिस्ट्रॉय किया या जिन्होंने अपना लाइफ स्टॉक जो है उसको डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, तो इस तरह से स्टालिन के टाइम पीरियड में अल्टीमेटली मैनी फार्मर्स दे बिकेम हैप्पी बट सम दे बिकेम अनहैप्पी, और दो हु डिस्ट्रॉयड देयर मशीन्स, डिस्ट्रॉयड, दे किल्ड देयर लाइफ स्टॉक, दे वर पनिश, उनको पनिश किया गया बिकॉज एट दैट टाइम प्राइवेट फार्मिंग वॉज नॉट अलाउड, फार्मिंग गवर्नमेंट बेस पे थी, और लोगों के पास जो भी प्रॉपर्टी थी अगर उनके पास एग्जैक्ट नंबर जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है उससे ज्यादा मशीन्स या एनिमल्स होते थे तो वो उनको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, और कई लोग गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते थे, दैट्स व्हाई दे डिस्ट्रॉयड एंड दे वर गिवन पनिशमेंट। फिर हमने ये बताना है कि बाय द टाइम ऑफ 1939 मोर देन 2 मिलियन पीपल दे वर पनिश, पनिशमेंट लार्ज लेवल पे थी, मोर देन 2 मिलियन पीपल दोज हु वर नॉट इंटरेस्टेड, जो गवर्नमेंट फार्मिंग में इंटरेस्टेड नहीं थे, मोर देन 2 मिलियन पीपल दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट फार्मिंग
सो देवर गिवन पनिशमेंट, और इतने लोगों को जेल में तो नहीं डाला जा सकता, तो अगर वो जेल में नहीं डाला जाएगा तो उनको कहाँ भेजा गया? गवर्नमेंट ने क्या किया उनके लिए, जो लोग फार्मिंग नहीं करना चाहते थे उनके लिए उन्होंने क्या बनाए? लेबर कैंप्स, लेबर कैंप्स। लेबर कैंप्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे कैंप जहां पे उनसे लेबर करवाई जाए, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने जानबूझकर अपनी मशीन्स को डिस्ट्रॉय किया, अपने एनिमल्स को मार दिया, ठीक है, या फिर जो लोग गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फार्मिंग नहीं कर रहे थे, जो लोग अपनी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को नहीं दे रहे थे, जब भी चेकिंग होती थी तो ऐसे में जिन लोगों को अरेस्ट किया गया, कितने लोगों का अप्रॉक्सीमेटली 1939 के टाइम में अरेस्ट किया? मोर देन 2 मिलियन पीपल। सो देवर पुट इन द लेबर कैंप्स, उनको लेबर कैंप्स में डाल दिया गया, ठीक है। एंड इसके बाद मतलब जो स्टालिन ने नेक्स्ट जो सेम जो लेनिन ने किया था उसी को आगे कंटिन्यू किया, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, बैंक्स थे, सबको नेशनलाइज कर दिया था। ही स्टार्टेड नेशनलाइजिंग ऑफ बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये सारा हमने याद रखना है कोलकोस, और ऐसे फार्मर्स, वेल टू डू फार्मर्स जो स्टोरिंग करते थे उनको क्या बोलते थे? वेल टू डू फार्मर्स को कुलैक्स। तो अल्टीमेटली स्टालिन का मेन टारगेट कौन थे? कुलैक्स। दोनों वर्ड याद रखने हैं, कोलखोज का मतलब होता है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड फार्म्स, कुलैक्स का मतलब होता है रिच या वेल टू डू पीजेंट्स। रिच पीजेंट भी लिख सकते हो या वेल टू डू फार्मर्स। वेल टू डू फार्मर्स का मतलब दोज हु आर वेरी, यू कैन से एम्बॉडीड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ कैपिटल टेक्निक्स, ट्रैक्टर्स, जिनके पास लेटेस्ट टेक्निक्स थी, ठीक है, कुलैक्स। अल्टीमेटली स्टालिन जो था वो कुलैक्स को टारगेट करना चाहता था, इनके पास जो भी एक्स्ट्रा इनकम थी वो एक्स्ट्रा इनकम को गवर्नमेंट इनकम में कन्वर्ट करने के लिए उसने क्या किया, कुलैक्स के घरों में, कुलैक्स के स्टोर हाउसेस में रेड। रेड का मतलब क्या होता है? वेरीफाई करना, उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, जितना भी स्टॉक है उसको चेक करना, ताकि अगर अनलिमिटेड है तो उसको गवर्नमेंट कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो ये थी सारी स्टालिन की पॉलिसीज। इसके अलावा नंबर वन आपने बताना है हिज टारगेट वाज टू स्टॉप स्पेकुलेशन अमंग द कुलैक्स। सेकंड उसने क्या किया? कोलखोज, ही कन्वर्टेड द लैंड इनटू कोलखोज। थर्ड उसने क्या किया? दैट ही गेव पनिशमेंट टू दोज फार्मर्स हु आर नॉट रेडी टू डू गवर्नमेंट फार्मिंग, एंड फॉर दैट दे वर सेंट इनटू द लेबर कैंप्स। फोर्थ आपने क्या बताना है? ही मेड ऑल द बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज नेशनलाइज। नेशनलाइज का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट कंट्रोल, ताकि गवर्नमेंट की जितनी भी मनी है उसको अपने कंट्रोल में लिया जाए, क्लियर। इसके बाद फिर आपने और क्या बताना है? सेंट्रल प्लानिंग, प्लानिंग टेक्निक्स। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? हर कंट्री अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग प्लान करती है। कुछ प्लान 1 ईयर होते हैं, कुछ 5 ईयर होते हैं। तो ये प्लानिंग का सिस्टम जो है वो रशिया ने स्टार्ट किया, जिसको बोलते हैं प्लान, 5 ईयर प्लान कह लो, ये 5 ईयर प्लान भी होते हैं, ठीक है। प्लान्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट, प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रल प्लानिंग। स्टालिन इंट्रोड्यूस सेंट्रल प्लानिंग, फॉर एग्जांपल 1 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान। क्या होते हैं प्लान्स? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को ये लगता है कि इन 5 ईयर्स में हमारी एग्रीकल्चर जो है वो शॉर्टकमिंग्स है, तो फर्स्ट 5 ईयर में गवर्नमेंट का सारा ध्यान एग्रीकल्चर पे होगा। तो 5 ईयर्स में गवर्नमेंट पूरा एग्रीकल्चर को डेवलप करेगी। नेक्स्ट 5 ईयर में गवर्नमेंट को लगता है कि अब हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर डेवलप हो गई है, अब हमने अपनी कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना। तो नेक्स्ट 5 ईयर गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट आएगी, वो कहेंगे कि पिछली गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया था, हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर में एग्रीकल्चर डेवलप हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलप हो गया, एजुकेशन एंड हेल्थ। अब इस बार गवर्नमेंट का टारगेट क्या होगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ये कह सकती है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, यूनिवर्सिटीज बने, रिसर्च सेंटर्स बने, हॉस्पिटल्स बने, तो वो आने वाले 5 ईयर्स में गवर्नमेंट सारे के सारे रिसोर्सेज उनके लिए यूटिलाइज करे। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट जो है वो प्लान के अकॉर्डिंग होती है। ये प्लान 1 ईयर भी हो सकता है, 5 ईयर भी हो सकता है। पर्टिकुलर गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है कि 1 साल में हम ये एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे, नेक्स्ट हम हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट करेंगे, नेक्स्ट हम एरोप्लेन्स में इन्वेस्ट करेंगे, नेक्स्ट हम रोड्स एंड कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से प्रॉपर मनी को यूटिलाइज किया जाता है और सेक्टर वाइज डेवलपमेंट होती है। इसको बोलते हैं सेंट्रल प्लानिंग, जब प्लानिंग के साथ सारा काम होता है, ठीक है। तो ऐसे ही स्टालिन ने रशिया में बहुत से 1 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान लॉन्च किए, ठीक है।
और इसके अलावा वर्कर्स की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए उसने स्टार्ट किया स्कूलिंग सिस्टम. स्कूलिंग सिस्टम, स्कूलिंग कैसे, वर्कर्स के लिए स्कूल कैसे, दोज वर्कर्स हु वर इलिटरेट, जो उसके टाइम में इलिटरेट थे या फार्मर्स वर इलिटरेट, उनके लिए उसने क्या किया, एजुकेशन सिस्टम. यानी कि फैक्ट्रीज में 9 to 5, 9 to 5 का मतलब होता है कि 5 बजे के बाद उनके पास नाइट स्कूल्स जो है या उनके बच्चों के लिए स्कूल जो है वो खोले गए, ताकि उनको अपनी एजुकेशन या बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड टेंशन ना. और ये सारा खर्च जो था, सारा एक्सपेंडिचर कौन बेयर करती थी, गवर्नमेंट. ठीक है, इवन स्कूलिंग के साथ साथ उनको क्या दिया गया, हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज. ठीक है, एंड बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, लेबर के जो बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते थे, उनके लिए कुछ क्रैच, क्रैच फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं लेकिन लेबर को अपने बच्चों को भेजने की टेंशन होती है कि वो काम कहाँ पे मतलब भेजेंगे तो काम कैसे होगा, तो उनके लिए कुछ कैच फैसिलिटी स्टार्ट की गई ताकि लेबर जो है वो बिना किसी टेंशन के काम करें. तो कहीं ना कहीं स्टालिन ने गवर्नमेंट, यानी कि सारा, अब आप देखो क्या ऐसे एफर्ट्स ज़ार निकोलस ने किए थे या केरेंस्की ने किए थे, अगर शायद करते तो रेवोल्यूशन ना. ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जब कुछ डिसीजन गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेती है तो सोसाइटी में, हर सोसाइटी में, हर कंट्री में, रिच और पुअर के कंपैरेटिवली पुअर की जो परसेंटेज होती है वो ज्यादा ही होती है, रिच पीपल की परसेंटेज कम होती है. लेकिन गवर्नमेंट का मेन जो टारगेट होना चाहिए वो पुअर पीपल को सेटिस्फाई करना होना चाहिए, ताकि लोगों को हर तरह से जो भी है फैसिलिटीज प्रोवाइड की. जब कॉमन लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं तो अल्टीमेटली लोग फिर रेवोल्यूशन करते हैं. शायद ज़ार निकोला सेकेंड के टाइम पीरियड में या फिर करेंसकी के टाइम पीरियड में, ठीक है, लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिली, सो दे वर नॉट सेटिस्फाइड. लेकिन स्टालिन का टाइम भी बेस्ट टाइम माना जाता है, क्योंकि स्टालिन ने काफी हद तक फार्मर्स या फिर जो वर्कर्स हैं उनको सेटिस्फाई किया. सो मे बी द दिस इज अ रीजन कि स्टालिन ने बहुत कंटिन्यू लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो है वो रशिया पे रूल किया. ठीक है, एंड अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो स्टालिन का कॉन्ट्रीब्यूशन है, स्टालिन ने भी रशिया में सोशलिज्म लाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले किया. तो दैट इज ऑल अबाउट द स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन. ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी पॉलिसीज पढ़ी हैं इसमें मेन नाम याद रखो ज़ार निकोला सेकंड, उसके बाद फिर हमने पढ़ा उसका सारा टाइम पीरियड 1905 का, फिर हमने पढ़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड, फिर हमने उसके बाद पढ़ा फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन. इन बिटवीन हमने दो करेंसकी और लेनिन की अलग अलग पॉलिसीज पढ़ी थी, और बाद में हमने किया स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन. करेंसकी की पॉलिसीज फेलियर, फेलियर का मतलब होता है उसमें हमने नेगेटिव ज्यादा बताना है, क्योंकि ही वॉज नॉट एबल टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल. लेकिन स्टालिन का पॉजिटिव है, स्टालिन का सारा पॉजिटिव है, लेकिन लेनिन का आपने दोनों ही बताना है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, क्योंकि लेनिन ने कहीं ना कहीं पार्टी, वन पार्टी नेशन बना दिया, सेंसरशिप लगा दी, सीक्रेट पुलिस लगाई, जिससे कि डेमोक्रेसी खत्म हो, डेमोक्रेटिक आइडियाज जो है वो खत्म हो गए. लेकिन स्टालिन ने काफी हद तक उसको इम्प्रूव किया. तो इसका रूल जो है वो रशिया में बहुत 1924 से लेकर 1950s, मतलब कॉन्टिन्यू टाइम पीरियड माना जाता है. इन बिटवीन इलेक्शन होते थे, एंड हर इलेक्शन में स्टालिन की पार्टी ही जीतती थी, क्योंकि एक ही पार्टी, वन पार्टी नेशन था. तो कहीं ना कहीं नेगेटिव भी होता होगा, पॉजिटिव भी, लेकिन ये टाइम पीरियड स्टालिन का जो टाइम पीरियड है रशिया में एक बेस्ट टाइम पीरियड माना गया. एनी डाउट बेटा रिगार्डिंग दिस स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन, एनी डाउट? चैतन्या अपनी वीडियो ऑन करो, बच्चे बहुत कीप योर वीडियो ऑन, कीप योर वीडियो ऑन. हाँ जी, यू वॉन्ट टू आस्क? हाँ जी, आपका माइक, अपना माइक ऑन करो. आपका माइक ऑन करो ना बच्चे. मैंने, हाँ जी, अपना माइक देखो, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट किया. आपने अपना माइक अनम्यूट किया हुआ है? नॉट, यस, नॉट प्रॉपर माइक ही नहीं आपका. देखो मैंने आपको अनम्यूट किया यहाँ से, आपका, आपकी आवाज ही नहीं आ रही.
व्हाटएवर यू हैव, इफ यू हैव एनी डाउट देन सेंड मी मैसेज. आपका माइक ही नहीं प्रॉपर है बच्चे, देखो मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है यहाँ से. आपकी वीडियो ऑन है बट माइक इज नॉट प्रॉपर. ओके सो टाइम इज ओवर, सो आई एम गोइंग टू एंड. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड मी मैसेज. चैतन्या ओके.